कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सांगवान ने पिछले दिनों वजीराबाद गांव में निगम द्वारा लगाई गई सील को भी तोड़ दिया था और विरोध जताया था। कप्तान सिंह सांगवान का कहना है कि शहरीकृत गांव में कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया जा सकता, अवैध रूप से लोगों को उसे वसूली करने के लिए इस तरह का चार्ज नगर निगम ले रहा है। कप्तान सिंह सांगवान ने कहा कि लोगों को सीलिंग का डर दिखाकर पैसे लिए जा रहे हैं, ये गरीबों का शोषण है। कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सांगवान ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान दिल्ली में कहीं भी कन्वर्जन चार्ज लोगों से नहीं लिया गया। जब से निगम में बीजेपी आई है तब से लोगों के इस तरह के कन्वर्जन चार्ज, हाउस टैक्स और भी कई तरह के टैक्स लिए जा रहे हैं और फिर भी निगम के पास पैसा नहीं होता, ये सब पैसा कहां जाता है। कांग्रेस नेता कप्तान सिंह सांगवान ने नगर निगम पर कई बड़े सवाल खड़े किए और कहा कि इस कन्वर्जन चार्ज का वे विरोध करेंगे। दिल्ली के किसी शहरीकृत गांव और अनऑथराइज कॉलोनी में किसी भी तरह का टैक्स, कन्वर्जन चार्ज या हाउस टैक्स या कॉमर्शल टैक्स या सेल टैक्स या कुछ भी नहीं था। जब से बीजेपी की सरकार आई है, पिछले मैं 3-4 सालों में कहूँगा कि 4 सालों के अंदर दिल्ली के अंदर इन्होंने इतनी लूट मचा रखी है कि आदमी दुकान खोले हाउस टैक्स, अगले दिन मकान खोलता है हाउस टैक्स, दुकान खोलता है कन्वर्जन चार्ज, सेल टैक्स, कॉमर्शल टैक्स। मेरा कहने का मतलब है 8 से 10 तरह के टैक्स लोगों पे लगा रहे हैं और खासकर प्रताड़ित जो किया जा रहा है वो किया जा रहा है शहरीकृत गांव को, रूरल गांव को और अनऑथराइज कॉलोनी को जहां गरीब लोग बसते। तो जितने भी ये कन्वर्जन चार्ज ये है कि निश्चित तौर पर देखिए कि कोई भी एजेंसी है या कोई भी डिपार्टमेंट है, कोई भी विभाग है, वो जनता के टैक्स के पैसे से चलता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि आप टैक्स तो ले रहे हो, सुविधा कौन सी दे रहे हो? कोई काउंसलरों को बजट नहीं मिलता, कोई सुविधा एमसीडी दिल्ली में देती नहीं है, सिर्फ लूट लेती है, लूट और खसोट, सिर्फ टैक्स लेने का काम हो गया है। तो जो बीजेपी की सरकार है दिल्ली के अंदर एमसीडी में, वो सिर्फ लोगों से टैक्स वसूल रही है, सुविधा कोई नहीं। अच्छा, ये बार बार लोगों का कहना है कि सुविधाएं, आपने बताया कि सुविधा नहीं मिल रही है, तो शहरीकृत और ग्रामीण गांवों का में फर्क भी होता है, तो उस चीज को लेकर के बार बार निगम के द्वारा लोगों पर थोपा जा रहा है ये। जी, जबरदस्ती थोपा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस की सरकार हर बार हाउस में एक जो है प्रस्ताव पास करती थी, फिर उसको केंद्र सरकार को भेजती थी और केंद्र सरकार हमेशा मानती थी, 4-4 साल का ये जो है एक्सटेंशन देती थी हर बार। बीजेपी की सरकार जो एमसीडी में भी है ना, उसने प्रस्ताव भेजा और केंद्र सरकार में भी उन्हीं की है, एलजी भी उन्हीं का बैठा हुआ, इन्होंने कोई प्रस्ताव जो है इसको एक्सटेंड करने का नहीं भेजा, सिर्फ टैक्स वसूलने के लिए इन्होंने अब पूरी दिल्ली के अंदर एक जैसा टैक्स लागू कर दिया है कि सब जगह से कन्वर्जन चार्ज मोटे मोटे। अब देखिए इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है कि एक दुकान पे आप 4.5 लाख रुपए का कन्वर्जन चार्ज आप निकालते हो कि आपको ये 10 टाइम का 4.5 लाख रुपए देना पड़ेगा, उसको वहां पे बुलाया जाता है, बुलाने के बाद उसको 2 लाख कर दिया जाता है और वो जमा कराता है 50,000 रुपए। तो मैं पूछना चाहता हूं कि या तो आप 4 लाख रुपए आपने दुकान पे लगाया है तो आप उसे 4 लाख ही जमा कराइए ना, आप 50,000 की पर्ची लेके और 1-1.5 लाख रुपया रिश्वत का लेके आप ये काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार इस कन्वर्जन चार्ज में, ये एक वसूली का काम जो है एमसीडी कर रही है और पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा करप्शन है इस कन्वर्जन चार्ज के रूप में कि 4 लाख रुपए का नोटिस और 50,000 रुपए आप जमा, आप रसीद निकलवाइए किसी की भी, जिसका 2.5 लाख का होगा वो सेटिंग करके 30 से 40 हजार जमा करता है, 50,000 रुपए जो है उनकी जेब में जाते हैं जो अधिकारी जो करप्शन ये कर रहे हैं, और एमसीडी को जमा होता कुल 30,000 रुपए। तो ये करप्शन कन्वर्जन चार्ज के रूप में किया जा रहा जो बंद होना चाहिए। हमारे यहाँ भी कन्वर्जन चार्ज के नोटिस इन्होंने दिए, नोटिस के बाद उन दुकानों को सील कर दिया गया और दुकानों को सील रात के 11:40 पे कर रहे हैं। यदि आप किसी को कर रहे हैं, कोई भी ऑफिशियल टाइम में दुकान सील होती है, आपको दुकान सील करनी है तो आप करिए ना 9:30 बजे से लेकर 5 बजे टाइम जो एमसीडी का या ऑफिशियल टाइम होता है सरकारों का, उसमें आपको सील करनी चाहिए। आप रात को 11:40 पे आप दुकान सील करते हो और वो दुकान सील कर देते हो कि अंदर उसमें आदमी सो रहे हैं, 2-3 आदमी सो रहे हैं और आप सील करके चले जाते हो। जब आपको पता चलता है सुबह आप सील तोड़ के भाग जाते हो। तो ये करप्शन है,
इसलिए हमने जाके स्वयं वो सीले हटा दी है कि ये इनलीगल सील है, गलत सील है, शहरीकृत गांव में कन्वर्जन चार्ज नहीं बनता, किसी भी तरह का कॉमर्शियल टैक्स नहीं लिया जाता, शहरीकृत गांव को, रूरल गांव को और अनऑथराइज कॉलोनी को दिल्ली में माफ है, ये इनलीगल और अस्वैधानिक तरीके से ये टैक्स वसूलने का काम बीजेपी की एमसीडी सरकार कर रही है। कोरोना संकट भी रहा है, लोगों के पास बजट भी नहीं है इतना, तो भार भी होगा लोगों पे, कुछ इस तरह की शिकायतें आपको बता रहे होंगे लोग। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो सरकार जो है कोरोना काल एक सवा साल हो गया, कोरोना काल के चलते मास्क पे आप 2000 का चलान कर रहे हो, लोगों की रोजी रोटी बंद हुई है, दुकानें खुली नहीं है, जो खुल रही है तो बिजली का बिल जो लोग नहीं दे पा रहे तो वो इनका कन्वर्जन चार्ज कैसे देंगे, जिनके लिए ताली बजाई, थाली बजाई, दीप जलवाए, कोरोना योद्धा बताया गया कि दुकानदारों ने बहुत मदद की, लोगों ने बहुत मदद की, और आज आप उनसे 4-4 लाख, 5-5 लाख टैक्स, मेरे पास 9 लाख रुपए का एक दुकान का नोटिस आया हुआ है, ये मेरे पूरे वार्ड में 758 लोगों को इन्होंने कन्वर्जन चार्ज का और कमर्शियल टैक्स का नोटिस दिया है, जो लगभग यहाँ से ये कई करोड़ रुपए वसूलना चाहते हैं, लेकिन बजट और सुविधा कोई नहीं है। जब एमसीडी कोई सुविधा ही नहीं दे रही, कोई जितने भी ये स्विक सुविधाएं एमसीडी कुछ प्रदान नहीं कर रही, काउंसलर को बजट 2 साल से 1 रुपया नहीं मिला है, तो फिर आप ये कन्वर्जन चार्ज ये वसूल के कहाँ ले जाते हो, पैसा है कहाँ? निश्चित तौर पर ये करप्शन में, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, और बिल्कुल भी मैं तो जनता को ये कहना चाहूंगा कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, इसका कम समय रह गया है, ये 10-12 महीने इसके रह गए, इसमें ये लूटना चाहती है, लोगों को सुविधा ही नहीं देना चाहती, जनता का काम कोई नहीं करना चाहती, बजट कोई नहीं करना चाहती, सिर्फ लूटना चाहती है। इस लूट और जो खसोट है इसके खिलाफ हम जो है अपने क्षेत्र में खड़े हुए हैं, और सबने फैसला किया है कि हम गलत ढंग से अस्वैधानिक तरीके से लिए जा रहे किसी भी कन्वर्जन चार्ज या कमर्शियल टैक्स का विरोध कर रहे हैं, और डट के पूरे गांव में विरोध कर रहे हैं, अनऑथराइज कॉलोनी में विरोध कर रहे हैं कि हम नहीं ये देने देंगे।